ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो इतना कुछ है आपको बताने के लिए कि कई साल अगर हम रोज इस तरह की क्लास करते रहे तो पूरा नहीं हो सकता। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कई जीवनियां हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जीवनी जो है वो चैतन्य चरितामृत है, जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है। उसी तरह से श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद के लिए उनके अनेक शिष्यों ने अपनी मेमोरीज स्मृतियाँ लिखी हैं और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो प्रभुपाद लीलामृत है। उसमें श्रील प्रभुपाद के बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक प्रभुपाद कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ, प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया, उन सब की जानकारी जो है बहुत विस्तार से, प्रभुपाद की टीचिंग्स हर चीज़ उसमें बहुत विस्तार से दे रखी। आप जब पढ़ेंगे ना प्रभुपाद लीलामृत, आपको ऐसे लगेगा चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हो, इतना इंटरेस्टिंग है। मैंने आज तक कोई भक्त नहीं देखा जिसने मुझे ये कहा हो कि हम लोग ने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना शुरू किया लेकिन मज़ा नहीं आया, बीच में छोड़ दिया। आज तक नहीं मिला मुझे कोई। ये लोग ज़रूर बोलते हैं कि प्रभुपाद लीलामृत पढ़ के बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि छोड़ा ही नहीं जाता उसको, सारे काम अटक जाते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब प्रभुपाद लीलामृत खरीदो, उसको पढ़ो, देखो हमारा संप्रदाय क्या है। हमारे जो संप्रदाय के आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उन्होंने क्या संघर्ष किया, क्या चल रहा था, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, फर्स्ट हैंड जानकारी कुछ हम आपको बताएंगे। तो बात यह है कि देखो अगर हम बात करें गुरु कितने तरह के होते हैं, तो मुख्य रूप से गुरु तीन तरह के होते हैं। एक गुरु होता है जो सबसे पहला गुरु जिसे माना जाता है भक्ति में, आध्यात्मिकता के मैं बात कर रहा हूँ। मैं वैसे तो माँ को भी गुरु माना जाता है, पहले गुरु तो माँ ही होती है, लेकिन आध्यात्मिकता में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो गुरु हैं वो व्यक्ति है जिसने हमें रास्ता दिखाया, कि जिसने हमें बोला आओ प्रभु, आओ माता जी, आपको आज इस कौन मंदिर लेके चलते हैं। मुझे जैसे एक माता जी ने, बॉम्बे में था मैं उस समय, एक माता जी ने बोला कि आओ प्रभु आपको मैं एक बड़ी अद्भुत सी आपको चीज़ दिखाती हूँ। मैंने बोला क्या, तो उन्होंने बोला आपको मंगला आरती दिखाती हूँ। तो मैं वो माता जी के साथ में गया और वो माता जी जो हैं, मैं इस्कॉन मंदिर जुहू मंदिर के बिल्कुल पास ठहरा हुआ था, 300-400 मीटर की दूरी पे।
वो माता जी रहती थी 2 घंटे दूर वहाँ से ऑटो में। तो मैंने कहा चलो मैं चला जाऊँगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको आना पड़ेगा मुझे लेने के लिए। सुबह 4:30 बजे आने के लिए, अब वो लेडी एक अकेली स्त्री कैसे आएगी? तो हेमा मालिनी के जो सेक्रेटरी है वो भी डिवोटी है, तो उन्होंने पहले उनके साथ टाई अप किया, पहले अपने घर से उनके घर गई, 2:30 बजे उन्होंने शुरू कर दिया था ये काम, फिर उनको पिक करके फिर लेकर मेरे होटल में आए वो, जहाँ पर मैं ठहरा हुआ था इस्कॉन मंदिर के पास में, और फिर मुझे लेके गए। तो ये पथ प्रदर्शक गुरु, इनको बोलते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, जिन्होंने रास्ता दिखाया, जाके ले गए वहाँ तक और बता दिया ये इस्कॉन है, ये प्रभुपाद हैं, ये गौर नेताए हैं, ये राधा राज बिहारी हैं या राधा पार्षद, राधा गोविंद देव जी। ओह देखो, राधा गोविंद देव जी तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे अभिदय के जो हैं अधिष्ठाता हैं वो। भक्ति 3 स्तर पे होती है, संबंध, अभिदय, प्रयोजन। संबंध के राधा मदन मोहन है, अभिदय के राधा गोविंद देव, और प्रयोजन हमारा राधा गोपीनाथ है। तो आप लोग बड़े भाग्यवान हो कि आप लोगों को अवसर मिल जाता है गोविंद देव जी के दर्शन करने का, अच्छी बात है। तो ये पथ प्रदर्शक गुरु हैं। फिर दूसरे गुरु होते हैं शिक्षा गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें बताते हैं भगवद गीता भागवतम के श्लोक पढ़ के, हमें उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, हमें हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर देते हैं। और तीसरे होते हैं दीक्षा गुरु, जो हमें हरि नाम, ब्राह्मण दीक्षा, और फिर कोई विरला भक्त होता है उसको संन्यास दीक्षा भी दे देते हैं। सो प्रभुपाद कौन है? प्रभुपाद पूरे इस्कॉन के, जो आज तक आ चुके, जो आगे करोड़ों वर्षों तक आएंगे, उन सब के प्रभुपाद शिक्षा गुरु हैं। क्योंकि प्रभुपाद की पुस्तकें ही हमारा जीवन है, हमारा आधार है प्रभुपाद की पुस्तकें। जब प्रभुपाद की हम पुस्तकों की बात करते हैं, तो आपको मैं एक थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों को, जो हम इतनी आसानी से हमें उपलब्ध हैं, हम पढ़ के उनको, हम उसका आस्वादन ले रहे हैं, आपको एक 15-20 मिनट में आपको बताता हूँ कैसे प्रभुपाद ने पुस्तकों को छापने में क्या संघर्ष किए प्रभुपाद ने। तो ये बात है 1964 की बात है, ये 1963-64 की। प्रभुपाद वृंदावन में थे, राधा दामोदर मंदिर में, और प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद के मन में पहले से ये बात तय थी, प्रभुपाद फिक्स थे कि मुझे ये करना ही है। क्या करना है कि मुझे 60 वॉल्यूम के अंदर जो भागवतम के 18 जो स्कंद है, वो मुझे 60 किताबों में छाप के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रभुपाद कई लोगों के पास गए, किसी ने प्रभुपाद को मदद नहीं की किसी भी तरह की। राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद बैठ के जो है व्याख्याएं लिख रहे थे, तो पहला वॉल्यूम उन्होंने कंप्लीट कर लिया, करीब 6.5 अध्याय थे भागवतम प्रथम स्कंद के, वो लेकर प्रभुपाद मैन्युस्क्रिप्ट, उसकी जो हाथ से लिखी हुई चीज़ होती है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, आजकल तो टाइपिंग हो जाती है, पहले हाथ से लिखी जाती थी। प्रभुपाद ने शुरू में सारी किताबें हाथ से लिखी कागज़ पे। प्रभुपाद को ये बात क्लियर हो गई थी कि वृंदावन, राधा दामोदर मंदिर पुस्तकें लिखने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ बैठ के छप नहीं सकती पुस्तकें। तो प्रभुपाद जो है उसके लिए दिल्ली आए। दिल्ली में प्रभुपाद को कोई नहीं जानता था। प्रभुपाद दर दर की ठोकरें खा रहे थे, मतलब दर दर की ठोकरें। तो प्रभुपाद को एक व्यक्ति मिले, उनका नाम था हित सरन शर्मा।
ये हित सरण शर्मा जो है एक बड़ा साधारण सा आदमी था, लेकिन इसकी दो खासियत थी। एक तो धार्मिक प्रवृत्ति थी इसकी, और दूसरा ये डालमिया का सेक्रेटरी था ही, हित सरण शर्मा। तो प्रभुपाद आके मिले, प्रभुपाद ने बोला भाई ऐसे ये मैन्यूस्क्रिप्ट है, प्रभुपाद ने मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाई अपनी कि मैं छपवाना चाहता हूँ, अंग्रेजी में लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया किताब है, लेकिन अच्छा जो डालमिया है, डालमिया की एक प्रिंटिंग प्रेस थी, उसकी देखभाल भी ये हित सरण शर्मा ही करते थे। तो प्रभुपाद ने बोला अगर आपको अच्छी लग रही है छपवा दो। तो हित सरण ने बोला कि भाई हम नहीं छाप सकते, ऐसे पैसे लगते हैं छापने के, मैं कोई मेरी प्रेस थोड़ा ना है, वो तो डालमिया जी की है प्रेस, मैं नहीं छपवा सकता, वो मानेंगे नहीं इस बात को, तुम बात तो करो। उन्होंने बात की नहीं की, लेकिन बात बनी नहीं। तो हित सरण शर्मा ने इनको बोला प्रभुपाद को कि आप ऐसा करो, आप वहाँ चले जाओ गोरखपुर, वहाँ पे जाके हनुमान प्रसाद पोदार को मिलो, वो जो हैं आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, वो धार्मिक किताबें छाप ही रहे थे। प्रभुपाद ने कहा ठीक है चलो, बात आपकी सही है। तो प्रभुपाद 8 अगस्त 1962 को प्रभुपाद जो है वहाँ से दिल्ली से गए गोरखपुर, करीब 450-500 किलोमीटर का रास्ता है। जब प्रभुपाद चले थे उस दिन प्रभुपाद एक लेजर मेंटेन करते थे कॉपी के, भाई मेरे पास क्या पैसे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या खर्चा हो रहा है। 8 अगस्त 1962 को प्रभुपाद की जेब में 130 रुपए थे बस, कुछ खर्चे हो गए दिल्ली में इधर उधर आने जाने में। जब प्रभुपाद गोरखपुर के लिए गए तो वाया लखनऊ होके जा रहे थे, तो लखनऊ जब पहुंचे हैं प्रभुपाद, तो प्रभुपाद की जेब में केवल 57 रुपए रह गए थे बस, केवल 57 रुपए, कुछ नहीं है प्रभुपाद के पास, सिर्फ जेब में 57 रुपए हैं। आप बोलो कि ये तो 1962 की बात है, 57 रुपए बहुत होंगे, अरे मान लेता हूँ 5000 रुपए के बराबर है 57 रुपए। अगर आज आपकी जेब में केवल 5000 रुपए हो, कुछ और नहीं हो, होश उड़ जाएंगे हमारे। लेकिन प्रभुपाद वहां से गए गोरखपुर, और वहां जाके हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिले, और उनसे मिले तो हनुमान प्रसाद जी हैं, उनको बहुत अच्छी लगी किताब, उन्होंने बोला आप छपवाइए इसको, मैं आपको 4000 रुपये इसके लिए डोनेशन दे दूंगा। तो पोद्दार जी ने डालमिया ट्रस्ट एक था उसमें 4000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, डोनेशन दे दी वहाँ पर। प्रभुपाद ने एस्टिमेट लगवाया था किताब छपने में कितना खर्चा होगा, तो 7000 रुपये का खर्चा था, तो भी 3000 रुपये कम थे, ये वॉल्यूम वन की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद वापस आए, प्रभुपाद ने दिल्ली में फिर दर दर लोगों के गए, लोगों के दरवाजे पर कि मैं मैन्युस्क्रिप्ट अपने हाथ में रखते थे, दिखाते थे मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा कर रहे हैं, हमारा मेरा ये विचार है पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। तो प्रभुपाद ने 500-700 रुपये और इकट्ठे कर लिए ऐसे। तो प्रभुपाद ने हित सरण जी को बोला कि आप प्लीज़ अभी पैसे पूरे तो नहीं हुए, लेकिन आप छपवाना शुरू कर दो। तो हित सरण जी ने बोला ठीक है मैं छपवा देता हूँ, जैसे ऐसे पैसे आते रहेंगे आप देते रहना और किताबें उठाते रहना। उन्होंने ये बात कर दी थी कि चलो आप सारे पैसे अभी एडवांस मत दो, जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे आप पैसे देते रहना और उतनी किताबें आप हमारे यहाँ से गोदाम से उठवा लेना। प्रभुपाद ने कहा ठीक है। उस समय ये कंप्यूटराइज नहीं था, हाथ से जो है वो फोन टाइप सेटिंग होती थी हाथ से। मुझे पता नहीं आप लोगों ने किसी ने मैनुअल प्रिंटिंग प्रेस देखी या नहीं देखी, मैंने देखी हुई है, मैंने बहुत काम किया है प्रिंटिंग प्रेस में बचपन के अंदर। तो हाथ से लगाते थे उसके अंदर टाइप, और उसका एक फर्मा बनता था, उसको फिर रस्सी से कस के उस पर शाही लगा के फिर एक प्रूफ निकलता था, फिर आप प्रूफ को चेक करोगे उसमें गलतियाँ होंगी तो वो पूरा फर्मा खोल के उसको ठीक करेगा,
उसके बाद फिर दोबारा फरमा निकलेगा, दोबारा प्रूफ निकलेगा, फिर चेक करोगे गलतियाँ होंगी, फिर दोबारा से वो फरमा खोल के ठीक होगा। प्रभुपाद सारा काम अकेले वहाँ बैठ के कर रहे थे, किताबें लिखना, डोनेशन इकट्ठी करना, प्रूफ रीडिंग करना और ये सारे काम करने, ये सब प्रभुपाद अकेले कर रहे थे, बिल्कुल नितांत अकेले, कोई नहीं था प्रभुपाद के आसपास। छिपीवाड़ा में जो छिपीवाड़ा मंदिर है इस्कॉन के पास आ गया, वो वहाँ पे प्रभुपाद जाके रहा करते थे। तो ऐसा करते करते 4 महीने लग गए, वो किताब छप गई। अब किताब छप गई, अब प्रभुपाद ने उस किताब को अब बेचना है, वो बेचने के लिए कौन बेचने जाएगा, प्रभुपाद खुद ही अकेले लगे हुए हैं उस किताब को सेल करने के लिए। जगह जगह जा रहे हैं प्रभुपाद उस किताब को लेकर, डॉक्टर राधा कृष्णन के पास गए, प्रभुपाद ने वो किताब हनुमान प्रसाद पुदार जी को भी दी और प्रभुपाद ने वो किताब लेके जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उसको भी प्रभुपाद ने जाके किताब दी। तो उसने जाकिर हुसैन ने बोला, चलो ये किताब अच्छी है, ये बताओ कि इससे राजनैतिक हमें फ़ायदा कैसे मिलेगा। तो प्रभुपाद ने उनको बोला, भैया अल्लाह ग्रेट है जी, ईसाई कह रहे हैं गॉड ग्रेट है, हम कह रहे हैं जो हिंदू हैं जो सनातनी हैं वो कह रहे हैं कि भगवान महान है, तो पता कैसे चलेगा, इस किताब से पता चलेगा आप कहाँ राजनीतिक फायदे की आप बातें कर रहे हो। प्रभुपाद वो किताबें लेके स्कूल्स में गए, यूनिवर्सिटियों में गए, अमेरिकन एम्बेसी में गए, अमेरिकन एम्बेसी वालों ने 18 किताबें खरीदी थी प्रभुपाद से। एजुकेशन मिनिस्ट्री में गए, उन्होंने 50 किताबें खरीदी 600 रुपये में प्रभुपाद से, थोड़ी थोड़ी करके बिक्री थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बिक्री थी कि उसके बूते पर आप वॉल्यूम 2 छपवा लो। प्रभुपाद अब आप देखो, पहला वॉल्यूम छपने के बाद प्रभुपाद दूसरे वॉल्यूम की राइटिंग कर रहे थे, प्रीचिंग कर रहे थे, डोनेशन इकट्ठी कर रहे थे, वॉल्यूम 1 को बेचने की अकेले प्रभुपाद कोशिश कर रहे थे। तो प्रभुपाद को समझ में आ गई कि भाई ये वॉल्यूम 1 की जो किताब है उसको बेचकर जो है वो वॉल्यूम 2 नहीं छपेगा। तो प्रभुपाद ने फिर लोगों के पास, अब वॉल्यूम 1 उनके पास थी, वो किताब ले जाके प्रभुपाद दिखाते थे सबको, देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे वॉल्यूम 2 छापने के लिए आप प्लीज़ मेरी कुछ मदद कीजिए। बहुत प्रभुपाद इधर उधर जा रहे थे, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। अब आप एक चीज़ समझिए, हनुमान प्रसाद पुदार के लिए जो भागवतम, जो प्रभुपाद ने वो पुस्तक लिखी भागवतम, वो प्रशंसनीय थी, इसमें कोई शंका नहीं है। जो हितसरण शर्मा है वो काम डालमिया के लिए कर रहा था, बीच में थोड़ी बहुत अगर कुछ मदद करके पुण्य कमा लिया, उसका बस इतना ही इंटरेस्ट था हितसरण शर्मा का। एक बच्चा था छिपीवाड़ा में जो प्रभुपाद उनको बोलते थे, जा भैया प्रूफ उसको दिया, वो वहाँ से ले आ, वो इतना प्रभुपाद के थोड़ा बहुत काम कर देता था, उसके लिए चलो भाई दिन में 2-3-4 चक्कर लगा लिए, 14 साल का बच्चा था और 2-3 चक्कर लगा लिए, चलो भाई खेल लिया, एक ही बराबर है बात। जिनसे प्रभुपाद कागज खरीद रहे थे उनके लिए बहुत छोटा सा एक कागजों का ऑर्डर मिलता था, उनको उनके लिए कोई उसकी वैल्यू नहीं थी। डॉक्टर राधा कृष्णन जो है, जिनको प्रभुपाद ने वो किताब गिफ्ट दी भागवतम, उनके लिए, डॉक्टर राधा कृष्णन के लिए उनके जो राजनैतिक इतना व्यस्त जीवन में, उसके लिए उनके लिए कोई स्थान नहीं था, लेकिन प्रभुपाद के लिए वो उनका जीवन, उनका प्राण है भागवतम, पूरा उन्होंने अपने आप को उसके अंदर झोंक दिया प्रभुपाद ने। कई जगह प्रभुपाद ने धक्के खाए, फाइनली प्रभुपाद को एक व्यक्ति मिला, LNH शुगर फैक्ट्री में काम करता था वो, उसने प्रभुपाद को 5,000 रुपये दिए वॉल्यूम 2 छपवाने के लिए, कीमत उसकी ज़्यादा है कॉस्ट छपवाने की।
प्रभुपाद वो पैसा लेके वापस प्रिंटिंग प्रेस पे आए, ओके प्रिंटिंग प्रेस था नाम उसका। प्रभुपाद ने उसको बोला भी ये 5,000 रुपये हैं, आप वॉल्यूम 2 को छापना शुरू करो। अभी वॉल्यूम 1 के पैसे नहीं दिए, वॉल्यूम 1 के पैसे अभी बकाए हैं। लेकिन वो भला आदमी था, उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपका वॉल्यूम 2 भी छापना शुरू करता हूं। तो अब प्रभुपाद वॉल्यूम 2 की व्याख्याएं लिख रहे हैं, वॉल्यूम 1 को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, डोनेशंस इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रीचिंग कर रहे हैं अकेले, बिल्कुल कपड़े फटे हुए हैं या सिले हुए हैं, कोई प्रभुपाद को उसकी सुध नहीं है। बेसिकली इतना डिफिकल्ट प्रभुपाद ने इतना टाइम देखा। प्रभुपाद ने उस दौरान प्रभुपाद ने कंपेयर किया कि एक भोगी है, और उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया कि भोगी हैं वो भी दौड़ रहे हैं फुल स्पीड पे, सुबह से जाते हैं काम करते हैं, ये करना है वो करना है। प्रभुपाद भी सुबह से दौड़ रहे हैं, काम करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। दिखने में दोनों काम एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने कहा जमीन आसमान का फर्क है, मेरा जो कार्य है वो 100% भगवान कृष्ण की प्रसन्नता को समर्पित है मेरा कार्य। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दिखने में बराबर लग रहा है। और प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद उस समय भी प्रभुपाद कह रहे थे कि ये मेरी एक बड़ी विनम्र प्रयास है, लोगों को बहुत अधिक जरूरत है, कोई नहीं मांग रहा प्रभुपाद से कि भाई हमें दो ये किताब, हम मरे जा रहे हैं इसके लिए, कोई नहीं मांग रहा। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं लोगों को बहुत अधिक आवश्यकता है इसकी, अभी लोगों को पता नहीं है, अज्ञानी है, लोगों को पता नहीं है, लेकिन बहुत अधिक आवश्यकता है, मुझे पता है। इसीलिए प्रभुपाद जो है उसके लिए पूरा प्रयास करते रहे और उसके लिए दौड़ते रहे प्रभुपाद। प्रभुपाद जून 1964 में प्रभुपाद लाल बहादुर शास्त्री से मिले उनके प्रधानमंत्री निवास पर, और उनको एक भागवतम की किताब दी, तो एक फोटोग्राफर ने उनकी फ़ोटो खींच ली, और लाल बहादुर शास्त्री ने लिखा बहुत अच्छी किताब है, लोगों को पढ़नी चाहिए। तो प्रभुपाद वो जो चिट्ठी है लाल बहादुर शास्त्री की साथ में, और जो फोटो है प्रभुपाद और लाल बहादुर शास्त्री साथ में ऐसे किताब देते हुए की, वो फोटो देख के प्रभुपाद ने, अब वॉल्यूम 2 छप गए थे, प्रभुपाद तीसरा वॉल्यूम जो कि जिससे कि फर्स्ट कैंटो पूरा हो जा रहा था, पहला स्कंद, उसको छपवाने के लिए प्रभुपाद ने अब लोगों को वो फोटो और लाल बहादुर शास्त्री की चिट्ठी दिखाकर लोगों से पैसे डोनेशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डोनेशन इकट्ठा करने के लिए प्रभुपाद सुमति मुरारजी के ऑफिस गए, नाम था कृपा सिंधु प्रभु थे, उन्होंने प्रभुपाद को बताया था कि सुमति मुरारजी जो है वो साधुओं की बड़ी बेसिकली मदद वगैरह करती हैं, तो अगर आप जाओगे तो हो सकता है आपका भी काम बन जाए। प्रभुपाद गए वहाँ पर, उनके ऑफिस में गए, प्रभुपाद ने बोला भी मुझे मिलना है सुमति मुरारजी से, तो उनके जो एम्प्लॉयज थे भगा दिया प्रभुपाद को, अरे नहीं कोई टाइम नहीं है उनके पास। प्रभुपाद सुमति मुरारजी के ऑफिस की सीढ़ियों में प्रभुपाद 5 घंटे तक बैठे रहे, और बैठे जप करते रहे कि बाहर तो यहीं से निकलेंगी सुमति मुरारजी। और शाम को जब सुमति मुरारजी बाहर निकली तो उन्होंने देखा ये कोई साधु बैठा हुआ है, उन्होंने कहा कौन हो भाई, कैसे बैठे हो आप यहाँ पर? तो प्रभुपाद ने बोला मैं आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। उसको बहुत बुरा लगा सुमति मुरारजी को, वो एक साधु को इतना बिठा दिया यहाँ पर। तो सुमति मुरारजी उनको अपने ऑफिस में लेके गई, तो प्रभुपाद ने उनको अपना वॉल्यूम्स दिखाए जो 2 वॉल्यूम छपे हुए थे, और उनको बोला 3रा वॉल्यूम मैं छपवाना चाहता हूँ। तो सुमति मुरारजी ने बोला आप कल आओ, कल बात करेंगे। तो प्रभुपाद अगले दिन गए, सुमति मुरारजी ने बोला कि 3रे वॉल्यूम छपवाने में जो खर्चा होगा वो मैं दूंगी। चलो जी बात खत्म हो गई, प्रभुपाद वापस वृंदावन आ गए, प्रभुपाद ने 3रा वॉल्यूम लिखना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रभुपाद मथुरा में एक बिजनेसमैन थे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मथुरा के बिजनेसमैन थे मिस्टर अग्रवाल, उनसे मिले प्रभुपाद। तो मिले ऐसी बात हो रही थी,
तो प्रभुपाद ने बोला कि मेरे गुरु ने बोला है मुझे पश्चिमी देशों में जाकर प्रचार करने की। तो मिस्टर अग्रवाल ने बोला अगर आप बोलो तो मैं आपको स्पॉन्सरशिप दिलवा देता हूँ यूएस से। स्पॉन्सरशिप बेसिकली ऐसा नहीं कि वो कोई पैसे देंगे, वो एक डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ भाई हम देखभाल कर लेंगे इनकी अगर ये यहाँ पर आते हैं, उसके आधार पर वीज़ा मिल जाता है। तो प्रभुपाद ने बोला चलो ठीक है आप ट्राई कर लो, कोई सीरियस डिस्कशन नहीं थी। वो मिस्टर अग्रवाल ने अपने बेटे को फ़ोन कर दिया, वहाँ पर चिट्ठी लिख दी गोपाल अग्रवाल, उसको बोला कि भाई ज़रा ये एक स्पॉन्सरशिप भेज देना। और अग्रवाल जी ने पहले भी कई लोगों कई साधुओं को ऐसे स्पॉन्सरशिप दिलवाई थी, तो वो गोपाल भी समझता था कि भाई लोग स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं लेकिन आते जाते तो है नहीं, आना कोई आसान काम है। तो गोपाल ने वहाँ से स्पॉन्सरशिप भर के वहाँ पे अमेरिकी एम्बेसी में जमा करा दी अमेरिका में, और वहाँ से दो तीन महीने में एनओसी आ गया प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद को कुछ नहीं पता, प्रभुपाद से तो ऐसे दो मिनट बात हुई चलो बात ख़त्म हो गई। तो प्रभुपाद जब तीसरा वॉल्यूम छप रहा था तो प्रभुपाद को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से चिट्ठी आई कि भाई आपका एनओसी आ गया अब बताओ क्या करना है। प्रभुपाद एकदम हैरान हो गए भैया एनओसी कहाँ से आ गया। तो अमेरिका अगर जाना होता था तो उस समय क्या क्या चाहिए होता था, एक तो स्पॉन्सरशिप चाहिए होती थी नंबर एक, नंबर दो आपको पासपोर्ट चाहिए, नंबर तीन आपको वीज़ा चाहिए, नंबर चार एक पी फॉर्म होता था, पी फॉर्म होता था जो कि बैंक इशू करता था, उस समय स्टेट बैंक इशू किया करता था कि हाँ भाई ये जाएगा इसका पीछे कोई कर्जे वर्जे नहीं है, जाने को जा सकता है। तो अब प्रभुपाद के पास इन चार चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ प्रभुपाद के हाथ में थी, स्पॉन्सरशिप। अब प्रभुपाद ने वो स्पॉन्सरशिप लेने के बाद प्रभुपाद ने फिर अब अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए प्रभुपाद ने मेहनत करनी शुरू की। और पांचवी चीज़ थी किराया, सॉरी आपको इंडिया से अमेरिका जाने का किराया भी तो चाहिए, कैसे जाओगे। पांच चीज़ें चाहिए, एक चीज़ है प्रभुपाद के पास स्पॉन्सरशिप। तो प्रभुपाद ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, 10 जून 1965 को प्रभुपाद के पास पासपोर्ट आ गया। अब दो चीज़ें हो गई प्रभुपाद के पास, अब प्रभुपाद को चाहिए था कि कोई उनका जो है आने जाने का किराया स्पॉन्सर कर दे, आने जाने का नहीं सिर्फ जाने जाने का। तो प्रभुपाद वापस गए बॉम्बे, वहाँ पर प्रभुपाद बॉम्बे जाते थे तो वहाँ पर प्रेम कुटीर नामक एक धर्मशाला थी जो फ्री लोगों को ठहराती थी। पैसे थे नहीं प्रभुपाद के पास, अंधेरी स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर थी और प्रभुपाद पैदल जाते थे पैदल आते थे। अब हम सबको पता है प्रभुपाद का जन्म जो है 1896 में हुआ था, तो हम बात कर रहे हैं 10 जून 1965 को जब प्रभुपाद को पासपोर्ट मिला, तो मतलब प्रभुपाद 69 ईयर्स के हो चुके हैं प्रभुपाद। आप सोचिए प्रभुपाद जाकर मिले सुमति मुरार जी से और प्रभुपाद ने बोला कि मुझे देखो स्पॉन्सरशिप भी मिल गई है, मुझे आप अरेंज कर दो, एक टिकट मेरे को दे दो आप। तो सुमति मुरार जी ने बोला नहीं भाई मैं तो आपको अलाउ करती नहीं जाने के लिए, वहाँ ठंड बहुत होती है, बूढ़े हो मरमरा जाओगे, वहाँ जाओगे तुम वापस नहीं आने वाले वहाँ से जिंदा। और प्रभुपाद ने बोला अरे ऐसे नहीं होता, आप अरेंज करो जो होगा सब ठीक होगा, भगवान है। तो सुमति मुरार जी ने कहा ठीक है आपकी एक टिकट मेरे तरफ से स्पॉन्सर्ड है आपकी टिकट। अब प्रभुपाद के पास में 5 में से 3 चीज़ें हो गई प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद के पास में स्पॉन्सरशिप लेटर हो गया, पासपोर्ट हो गया और किराए का बंदोबस्त हो गया, चलो भैया स्पॉन्सर हो गया। अब प्रभुपाद वीज़ा और पी फॉर्म के लिए प्रभुपाद संघर्ष करने लग गए प्रभुपाद, और प्रभुपाद ने वीज़ा, अब वहाँ पे वीज़ा और पी फॉर्म के लिए बॉम्बे में रहना ज़रूरी था, कोई जगह ही नहीं है प्रभुपाद के पास रहने के लिए। तो सुमति मुरार जी ने उनकी कॉलोनी थी सिंधिया कॉलोनी, सुमति मुरार जी ने बोला चलो आप यहाँ पर रह लो अपना काम वाम करते रहना। तो प्रभुपाद वहाँ पर रहकर अपना वीज़ा और
पी फॉर्म के लिए प्रभुपाद, फिर प्रभुपाद ने ट्राई करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर रह रहे थे प्रभुपाद, वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट भी लिख रहे थे, भागवतम पे प्रपोर्ट्स लिख रहे थे, वीज़ा के लिए जा रहे थे, पी फॉर्म के लिए जा रहे थे, डोनेशंस के लिए जा रहे थे, प्रीचिंग के लिए जा रहे थे। तो सिंधिया कॉलोनी में एक लेडी थी, मिसिस नागराजन, उसकी आपको मैं बताता हूँ कि उसका क्या कहना था प्रभुपाद के बारे में। तो मिसिस नागराजन बता रही है कि कई बार मैं प्रभुपाद से मिलने आती थी स्वामी जी से, तो उनके रूम में मैं देखती थी कि कुर्सी पे उनकी चादर पड़ी होती थी और वो खिड़की में बैठे होते थे प्रभुपाद, और बाहर देख रहे होते थे। तो मिसिस नागराजन प्रभुपाद से पूछती थी, स्वामी जी कुछ आज कुछ बात बनी? तो प्रभुपाद बोलते थे, नहीं कुछ खास तो नहीं हुआ आज, काफ़ी परेशानी का विषय है, लेकिन कल भगवान कृष्ण अवश्य कोई रास्ता निकालेंगे। कितना विश्वास है प्रभुपाद को, कितना विश्वास है, कल भगवान कृष्ण अवश्य कोई रास्ता निकालेंगे। और फिर थोड़ी देर बैठे रहेंगे वहाँ पे प्रभुपाद, और मिसेस नागराजन कह रही हैं कि 10 मिनट में प्रभुपाद वापस आके अपनी चेयर में बैठ जाएंगे और लिखना शुरू कर देंगे प्रपोर्ट्स। बिल्कुल थके हुए हैं, एकदम थके चूर हैं, पैदल चल रहे हैं, खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों के घर के बाहर जाके खड़े रहते हैं, काम नहीं बन रहा, चारों तरफ से हताशाएं मिल रही हैं। आके 10 मिनट बैठे और फिर तुरंत प्रभुपाद जो हैं वो उन्होंने भागवतम के प्रपोर्ट्स लिखना शुरू कर देते थे प्रभुपाद वापस आकर। पता नहीं कैसे हो रहा था काम। सो मिसेस नागराजन कहती है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति है जो इतना थका हुआ है और हताश है, और वो दूसरे मिनट में जो है वो वापस अपने राइटिंग के काम में कैसे जुड़ सकता है? बिल्कुल इम्पॉसिबल है ऐसे करना किसी के लिए। तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद थके हुए ज़रूर थे लेकिन हारे नहीं कभी प्रभुपाद। प्रभुपाद को भगवान पे पूरा विश्वास था, प्रभुपाद ने कभी भी निराशा का दामन नहीं पकड़ा प्रभुपाद ने। 28 जुलाई 1965 को प्रभुपाद को वीज़ा भी मिल गया। अब सिर्फ पी फॉर्म रह गया। पी फॉर्म के लिए प्रभुपाद गए स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक वाले आदमी ने प्रभुपाद का पी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला, नहीं नहीं आप बूढ़े हो, वहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है, एक महीने के लिए चलो वो बंदा आपकी हेल्प कर भी देगा स्पॉन्सर वाला, एक महीने के बाद क्या होगा, आप फंस जाओगे हमारे लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो प्रभुपाद ने बोला कि चलो आप क्या चाहते हो? कहा, मैं तो रिजेक्ट कर रहा हूँ। प्रभुपाद ने बोला, आप रिजेक्ट मत करो, आप मुझे अपने सीनियर से मिलवा दो, अपने मैनेजर से, मैं एक बार उससे रिक्वेस्ट कर लेता। उसने कहा ठीक है भाई, वहाँ पर ले गए। मिस्टर राव थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो हेड थे फॉरेन एक्सचेंज के, उनके पास प्रभुपाद गए। वो देखते ही प्रभुपाद को खड़ा हो गया, वो उसने प्रभुपाद को प्रणाम किया। प्रभुपाद ने बोला, भाई ऐसे मेरा वो पी फॉर्म की एप्लीकेशन आई है, उसने साइन करके हाथ में 2 मिनट में पकड़ा दी प्रभुपाद के, कि लो जी आपका पी फॉर्म हो गया, ऐसे चुटकियों में काम हो गया। अब प्रभुपाद वापस आए और प्रभुपाद ने इन्फॉर्म किया सुमति मुरार जी को कि भाई मेरे को मिल गया है, वीज़ा भी हो गया, पी फॉर्म भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं पूरी। सुमति मुरार जी ने पूछा प्रभुपाद से, आपके पास कपड़े हैं अमेरिका जाने के लिए? आपको पता कितनी ठंड पड़ती है वहाँ पे? प्रभुपाद ने बोला, भाई कपड़े तो नहीं है मेरे पास भी। तो फिर सुमति मुरार जी ने अपने जो सेक्रेटरी है मिस्टर चोकसी, उनको बोला, भाई इनको गर्म कपड़े खरीदवा के दो। उसने 250 रुपये के उस टाइम पे जुलाई अगस्त 1965 में 250 रुपये के उसने प्रभुपाद को कपड़े खरीदवाए, गर्म कपड़े, नहीं तो प्रभुपाद के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। और फिर उन्होंने अपना जो मालवाहक जहाज था जलदूत, कलकत्ता से अमेरिका बॉस्टन के लिए जाना था उसने, और प्रभुपाद को उस पर एक सीट उन्होंने अलॉट कर दी, और वो जो जहाज है वो वहाँ से 13 अगस्त 1965 को कलकत्ता से रवाना हुआ अमेरिका के लिए।
13 अगस्त से पहले 6 अगस्त 1965 को प्रभुपाद कलकत्ता पहुँचे और वहाँ से कलकत्ता से प्रभुपाद मायापुरी गए। मायापुर में जाके प्रभुपाद ने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि पर गए। चैतन्य मठ में है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि, वहाँ पर जाके प्रणाम किया, उनकी ब्लेसिंग्स ली अपने गुरु की और वापस आए। अपने परिवार वालों से संपर्क नहीं साधा। उनका एक लड़का जो था वृंदावन, उसको पता चल गया कि ऐसे प्रभुपाद जा रहे हैं अमेरिका, तो वो आखिरी मौके पे प्रभुपाद को मिलने आ गया था। 3-4 लोग थे जब प्रभुपाद बैठे हैं शिप पर जाने के लिए। प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था, अमेरिका जाकर क्या करेंगे। प्रभुपाद को सिर्फ एक चीज पे पूरा भरोसा था। प्रभुपाद अपने साथ में भागवतम Volume 1, Volume 2, Volume 3 जो कि पूरा फर्स्ट कैंटर है, उसके 200 सेट लेके जा रहे थे। उसके दम पर प्रभुपाद जो है अमेरिका जाने के बारे में सोच रहे थे। और प्रभुपाद ने सबको नमस्ते की और जलदूत की और प्रभुपाद आगे बढ़ गए। उसके कैप्टन का नाम था मिस्टर पंड्या, उसने भी प्रभुपाद की काफ़ी हेल्प किया यात्रा के दौरान। इसके बाद भी प्रभुपाद ने अनेक तकलीफ़ों का सामना किया। कभी मौका मिलेगा तो आपको इसके बारे में और अधिक आपको जानकारी दूंगा। तो प्रभुपाद ने जो संघर्ष किया, बिल्कुल जैसे जटायु रावण से लड़ रहा है, हरा ही नहीं सकता। रावण कितना शक्तिशाली है, 10 सिर वाला, 10 ग्रीव रावण, और जटायु बूढ़ा जर्जर गिद्ध, कोई हथियार नहीं है उसके पास, कैसे सामना करेगा। लेकिन फिर भी जटायु लड़ा भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे शीला प्रभुपाद भी लड़े, कोई सहारा नहीं है और बूढ़ा शरीर, 69 ईयर्स की उनकी आयु हो गई थी प्रभुपाद की। माया से लड़ने का कोई साधन नहीं था प्रभुपाद के पास, केवल और केवल भगवान कृष्ण की समर्पण और उनकी प्रसन्नता के लिए। जीत जटायु की भी हुई थी और जीत प्रभुपाद की भी हुई। जटायु ने भी अपना जीवन न्योछावर कर दिया और भगवान का रास्ता मार्ग प्रशस्त कर दिया माता सीता से मिलने के लिए। ऐसे ही प्रभुपाद ने भी लाखों करोड़ों लोगों को भगवान की शरण लेने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और प्रभुपाद ने कभी भी अपने निजी जो कष्ट हैं, जो कठिनाइयाँ प्रभुपाद ने सामना किया, उसके बारे में प्रभुपाद ने कभी उसकी परवाह नहीं की, कभी उसका जिक्र तक नहीं किया प्रभुपाद ने। तो हम आखिर ये बात क्यों सुन रहे हैं, हमारे लिए इसका क्या औचित्य है, क्या उपयोगिता है हमारे लिए। हमारे लिए इसकी एक ही उपयोगिता है हमारे लिए, कि हम सब प्रभुपाद की शरण लें, प्रभुपाद के शिष्यों की, उनके अनुयायियों की हम लोग शरण लें और प्रभुपाद की शिक्षाएं पूरे संसार में घर घर पहुंचाएं और अपने जीवन में भी उतारें। तो ये कहा जा सकता है कि हम लोग ये कहने के अधिकारी हैं कि शीला प्रभुपाद की जाए। नहीं तो बोल बहुत लोग बोल रहे हैं शीला प्रभुपाद की जाए, कर नहीं कोई कुछ रहा। शीला प्रभुपाद की जय बोलने का
असली अधिकारी वही है जो प्रभुपाद की शिक्षाओं पे अपना जीवन न्योछावर करने के लिए तैयार बैठा है। इसको यहीं पे इसको मैं विराम देता हूँ।